नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम नई स्विफ्ट और उसके मुख्य प्रतिस्पर्धी ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 की विस्तृत तुलना करेंगे। मारुति की गाड़ियां खरीदने वाले उसे सराखों पर रखते हैं क्योंकि न केवल वह किफ़ायती होती है बल्कि उनमें फीचर्स भी काफ़ी होते हैं। कुछ सालों से ह्यूंडई भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करती आ रही है। ह्यूंडई की ग्रैंड आई 10 पिछले वर्ष फेसलिफ्ट की गई थी, जो अब भारत की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में है। अब उसे चुनौती देने आ रही है मारुति की नई स्विफ्ट। हमने इस वीडियो द्वारा दोनों की तुलना की है, जिसमें कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसका माइलेज बेहतर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स है, किस गाड़ी की पकड़ और संतुलन अच्छी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ है इत्यादि। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। स्विफ्ट के मिड मॉडल VXI पेट्रोल मैनुअल और ग्रैंड आई 10 के मिड मॉडल स्पोर्ट्स पेट्रोल दोनों की कीमत है 6,30,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। ग्रैंड आई 10 स्पोर्ट्स में 3-4 ऐसे फीचर्स हैं जो स्विफ्ट VXI में उपलब्ध नहीं है, जो है पार्किंग सेंसर, टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट और फॉग लैंप्स। स्विफ्ट VXI में भी 2 ऐसे फीचर्स हैं जो ग्रैंड आई 10 स्पोर्ट्स में उपलब्ध नहीं है, जो है ABS और रियर वॉश वाइप। स्विफ्ट के टॉप एंड ZXI प्लस पेट्रोल मैनुअल मॉडल की कीमत है 8,10,000 रुपये, जो ग्रैंड आई 10 के टॉप एंड पेट्रोल मैनुअल मॉडल एस्टा से 90,000 रुपये महंगी है। अगर आप डीजल गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो टॉप एंड स्विफ्ट ZDI प्लस डीजल मैनुअल की कीमत है 9,40,000 रुपये, जो डीजल ग्रैंड आई 10 के एस्टा डीजल मॉडल से 1,00,000 रुपये महंगी है। अगर आप ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो स्विफ्ट के पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध है, जो मैनुअल मॉडल से सिर्फ 50,000 रुपये महंगे हैं। ग्रैंड आई 10 में सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध है, जो मैनुअल मॉडल से 75,000 रुपये महंगा है। अब हम बात करते हैं लुक्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियाँ दिखने में काफ़ी यंग लगती है, मगर ग्रैंड आई 10 मारुति स्विफ्ट की तुलना में काफ़ी पुरानी लगती है। ह्यूंडई ने पिछले साल ही एक फेसलिफ्ट दी थी। दोनों के ग्रिल काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन मारुति की डिज़ाइन थोड़ी और प्रभावशाली है। मारुति स्विफ्ट 2018 एक फ्रेश डिज़ाइन लगती है, जहाँ पर ह्यूंडई हैलोजन हेडलैम्प्स इस्तेमाल करती है, वही मारुति LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देती है। मारुति नए स्विफ्ट में फॉग लैंप्स भी दे रही है। दोनों गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की भी दिए हुए हैं। इससे ड्राइवर साइड डोर और डिक्की दोनों के एक ही बटन खोला जा सकता है। ह्यूंडई ने अपने कोरोम एंड डायमंड कट अलॉयज देना शुरू किया था और अब मारुति भी उनका साथ देने लगी है। नई मारुति स्विफ्ट और ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 में डायमंड कट अलॉयज उपलब्ध है और टॉप एंड मॉडल्स पर जहां ह्यूंडई अब 14 इंच की व्हील्स ऑफर करती है, वही मारुति 15 इंच के। बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों ही मॉडल्स पर स्टैंडर्ड है, लेकिन बॉडी कलर्ड मिरर्स ह्यूंडई केवल मैग्नेट रिम से देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूंडई की ग्रैंड आई 10 अब भी बढ़िया दिखती है, लेकिन स्विफ्ट इस सेगमेंट में एक नयापन लाती है। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट के बारे में। टेक्निकली ह्यूंडई की गाड़ियों का इंटीरियर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, यह चाहे आप ईऑन लीजिए या फिर सेंटा फे। ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 के इंटीरियर भी कुछ ऐसे ही है। ह्यूंडई ने ग्रैंड आई 10 में अपोस्टी ग्रे और ब्लेस कलर्स की लगवाई है, इससे केबिन में एक हवादार वातावरण महसूस होता है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और बाकी लेआउट पुरानी गाड़ी से मेल खाते हैं, यह अब भी काफ़ी लॉजिकल और नीटली इंटीग्रेटेड है। केबिन में नए एलिमेंट का 7-इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, जिससे आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑफर की गई है, मगर ह्यूंडई अब भी इसमें एक नेविगेशन ऐप नहीं देता। यह टच स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और इससे जान पहचान करना अब आसान है। ह्यूंडई फीचर के तौर पर आपको एक चिल्ड ग्लो बॉक्स, डे नाइट इनसाइड मिरर्स, पावर फोल्डिंग और एडजस्टेबल साइड मिरर्स, पुश बटन स्टार्ट और रियर एसी वेंट्स देती है। नई मारुति स्विफ्ट की केबिन अब भी फुल ब्लैक अपहोल्स्ट्री में अवेलेबल है। कंपनी अपने कार को एक स्पोर्टी लुक देना चाहती थी, इसलिए इस कलर का केबिन डिजायर से मेल खाती है, लेकिन कुछ चेंजेस भी है, जिसकी स्टीयरिंग व्हील्स जिसपे अब निचले हिस्से पे लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलग रूप के AC वेंट्स और अन्य कई सारे फीचर्स में आपको बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, पावर फोल्डिंग और एडजस्टेबल मिरर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दिए हुए हैं। अगर आप दोनों गाड़ियों की तुलना करेंगे तो यह पाएंगे कि स्विफ्ट में ग्रैंड आई 10 जितनी जगह है, बूट स्पेस स्विफ्ट का केवल कुछ लीटर्स ही बढ़ा है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। मारुति की निंदा की जाती थी कि वह अपनी छोटी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर या तो नहीं देते
या फिर देते हैं तो केवल टॉप एंड मॉडल्स पर। नए स्विफ्ट के आगमन से यह बदलने वाला है। नई स्विफ्ट में ABS और 2 एयरबैग स्टैंडर्ड्स हैं। यही नहीं, नई स्विफ्ट इंडियन क्रैश टेस्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट की टेस्ट भी पार कर चुकी है। नई Hyundai ग्रैंड एटेन में आपको ड्राइव एयरबैग ऑफर किया जाता है, हालांकि मैग्ना ट्रिम से पैसेंजर एयरबैग ऑफर भी की जा रही है। ABS केवल टॉप एंड एस्टा पे ही दिया जा रहा है। यह एक बड़ी कमी है Hyundai की ओर से, और यह जाहिर सी बात है कि जल्दी Hyundai यह सेफ्टी फीचर अपनी गाड़ियों में स्टैंडर्ड्स ऑफर करे। सेफ्टी के मामले में नई स्विफ्ट ग्रैंड एटेन से इस सेगमेंट में आगे है। अब हम बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। दोनों स्विफ्ट और ग्रैंड एटेन पेट्रोल और डीजल इंजिन्स में उपलब्ध है, जहां मारुति स्विफ्ट में अपनी टेस्टेड 1.2 लीटर 84 PS और 75 PS 1.3 लीटर डीजल इंजन देती है, वही Hyundai 85 PS पेट्रोल 1.2 लीटर और 75 PS 1.2 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल करती है। Hyundai की पेट्रोल इंजन 19 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल 24 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। नई स्विफ्ट आपको माइलेज के मामले में पेट्रोल में 22 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में 28 किलोमीटर प्रति लीटर का वादा करती है। मारुति स्विफ्ट अब 5 स्पीड मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर करती है। Hyundai ग्रैंड i10 में 5 स्पीड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स देती है, पर अपने पेट्रोल इंजन के साथ 4 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है। स्विफ्ट अपने कई इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन से ग्राहक का मन जीत लेती है, पर Hyundai की नई 1.2 लीटर डीजल भी अपने रिफाइनमेंट से लुभाती है। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक हैचबैक चाहिए तो इस प्राइस ब्रैकेट में केवल मारुति ऑफर करती है। अब हम बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन के बारे में। ग्रैंड एटेन अपने पहले अवतार में गड्ढों पर बैठ जाती थी, लेकिन अब Hyundai ने सस्पेंशन में रिविजन किए हैं। इससे राइड क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी हुई है। अब भी ग्रैंड एटेन का स्टीयरिंग काफ़ी हल्का है, और अगर कंपनी उसे थोड़ी और वजनदार बनाती तो हाई स्पीड पे मज़ा आ जाता। इसके मुकाबले में स्विफ्ट अब थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है, इससे राइड क्वालिटी अच्छी हुई है। हैंडलिंग अब भी एक गो कार्ट की फीलिंग देती है, लेकिन स्टीयरिंग में बिल्कुल जान नहीं। रिफाइनमेंट के मामले में Hyundai के डीजल इंजन स्विफ्ट के इंजन से काफ़ी ज़्यादा आगे है। दूसरी तरफ Hyundai पेट्रोल की रिफाइनमेंट स्विफ्ट पेट्रोल के सामने कम है। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। हालांकि दोनों ही गाड़ियों का सर्विस बैकअप काफ़ी अच्छा है, पर मारुति फिर भी आगे है इस मामले में। मारुति के 2000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं पूरे भारतवर्ष में। वैसे दोनों कार्स की सर्विस कॉस्ट की तुलना की जाए तो पेड सर्विस में आपको लगभग 5,000 से 7,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। हमारी तुलना के अनुसार स्विफ्ट का नयापन और इंजन ट्रांसमिशन की विभिन्नता की वजह से उसे विनर करार दिया जाता है। अगर आप यह भी देखें कि इस कंपटीशन में सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड्स में स्विफ्ट दे रहा है, तो यह सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों, अगर आपको नई स्विफ्ट या ग्रैंड एटेन की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।